नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म्स लेकर आए हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिससे कि आप लोगों को पता होगा कि आपके डाटा एंट्री या फिर एग्जाम में कुछ फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं, मुझे कमेंट करके कहा भी गया। तो मैंने सोचा चलिए एक फुल फॉर्म पर एक वीडियो ही बना देते हैं। टोटल यहाँ पर 10 पेज हमने तैयार किया फुल फॉर्म के लिए। 10 पेज का एक PDF है जो कि आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ये हमारी 14 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने कुछ क्लासेस ली हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर आप लोग वीडियोज को देख लीजिए। और हाँ, हमने प्रेस्टिक सेट नंबर 1 अपलोड किया था और उसका PDF हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। साथ में प्रेस्टिक सेट नंबर 2 है तो वो भी हम आप आज शेयर कर देंगे। और ये वाला PDF जो आपको इस वीडियो में बताएंगे फुल फॉर्म का, ये भी PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आज रात में सारे के सारे PDF शेयर कर दिए जाएंगे। एंसर शीट भी प्रेस्टिक सेट का सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग एंसर शीट भी अपना चेक कर सकते हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लेकिन थोड़ा लेट मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक बनाना पड़ता है तो आप लोग समझिएगा। टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक, वहाँ पर आप लोग PDF को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं ऑफिशियल PDF पर। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरे द्वारा क्रिएट किया गया PDF है और यहाँ पर क्या फुल फॉर्म्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ADF ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ADSL एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगर उच्चारण में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, AIFF आइडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, AIX एडवांसड इंटरेक्टिव एग्जीक्यूटिव, ANSI, शायद ये क्वेश्चन 30 नंबर को पूछा गया था, कुछ लोग कमेंट करके बता रहे थे। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ACII अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी शायद 30 नंबर को पूछा गया था, ASCII कोड होता है जो। ठीक, ASP एक्टिव सर्वर पेज, ASP एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 ASP है तो आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से चूज कीजिएगा। ठीक, ATA एडवांसेड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ATM एसाइक्रोनस ट्रांसफर मोड, बेसिक यानी कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बलिक इंटरेक्शन कोड, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपके जीमेल चैप्टर में मिल जाएगा पढ़ने को। ठीक, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्लॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, BMP बिटमैप, तो ये जो BIOS है ना आपको ICT में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CC कार्बन कॉपी, ये आप लोग देख पा रहे हैं ये जीमेल का ही है। ठीक, CCD चार्जेड कंप्लीट डिवाइस, और CD कंपैक्ट डिस्क, CDR कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक, और फिर CD-ROM कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDRW कंपैक्ट डिस्क रिटाइबल यानी फिर से जो लिखी जा सके, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, CISC कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेट कंप्यूटिंग, और CMOS यानी कि जो BIOS CMOS एक ही मतलब एक ही चैप्टर के होते हैं ये, एक ही मत समझ लेना इसके लिए मैं, CMOS और BIOS अलग चीज़ है। ठीक, तो कम्प्लीमेंट्री मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के आप लोग जरूर बताइएगा। CMYK क्यान मंगेंता येलो, मंगेंता येलो ब्लैक, CPA कॉस्ट पर एप्लीकेशन, जो लोग YouTube चलाते होंगे उनको जरूर पता होगा ये एडसेंस का होता है, CPA कॉस्ट पर एक्शन, CPC कॉस्ट पर क्लिक, CPL कॉस्ट पर लीड, CPM कॉस्ट पर 1000 एक्सप्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर 1 CPM के मतलब हुआ 1000 एक्सप्रेशन आपको मिल गया। CPS क्लासरूम परफॉर्मेंस सिस्टम, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRT कैथोड ट्यूब, CSS कैश केडिंग स्टाइल सेट, CTP कंपोस्टिंग थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस, CTR क्लिक थ्रो रेट, ये भी CTR भी है एडसेंस में होता है, CTR अगर हाई हो जाता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, YouTube वाले समझ रहे होंगे। DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DDR डबल डाटा रेट, DDR टू डबल डाटा रेट टू, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DIMM डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल,
DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DPI DOS पर इंच, DRM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRM डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSLAM डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेजर, और DTP डॉक्यूमेंट्स टाइप डिफिनेशन, DV डिजिटल वीडियो, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD-R+R डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, DVD-RW डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, DVD-R डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, DVD-RAM डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी, DVD-RW डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिटायरेबल, ठीक रिटायरेबल है, DVI डिजिटल वीडियो इंटरफेस, DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ECC एरर करेक्शन कोड, EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EPC इंक्लूसिव पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, EUP इंटरप्राइज यूनिफाइड प्रोसेस, फिर FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फिर FIFO यानी कि फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक FIOS फाइबर ऑप्टिक सर्विस, और यहाँ पर दिया गया है फ्लॉप्स FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, FU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, FSB यानी कि फ्रंट साइड बस, ठीक और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट अप्लाई टू इमेज फॉर्मेट एस GIF .GIF इसका इंटेक्शन नेम भी होता है ग्राफिक्स का और फुल फॉर्म भी यही होता है, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIS ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जियोग्राफिक है माफ़ कीजिएगा GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और GPS ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम, GPS आप लोगों ने बहुत बार जाना होगा जो आपका लोकेशन होता है, GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUID यानी कि ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, HDMI हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDTV हाई डिफिनेशन टेलीविज़न जो HD होती है, ठीक HDV हाई डिफिनेशन वीडियो, HFC हर्शियल फाइल सिस्टम, HFC हीट सिंक एंड फैन, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्स, ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले बता चुकी है, IO इनपुट आउटपुट, ICAR इंटरनेट कंप्रेशन फॉर असाइंस नेम एंड नंबर्स, ICF इंटरनेट कनेक्शन फायरवॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, अगर आप एक बार वीडियो वॉच कर लो ना ऐसे देख लो तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस केवल आप वीडियो पूरा एक बार वॉच कर लो सारे के फुल फॉर्म आपको याद हो जाएंगे, ICS इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, IDE इंटरग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, IDE इंटरग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IEE यानी IEEE इनसाइट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर, और IGP इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर, IM इंटरनेट मैसेज, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IINTERNET आप लोग देख पा रहे हैं इंटरनिक यानी इंटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPX इंटर नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, IRC इंटरनेट रियली चैट, IRQ इंटर इंटरेक्ट रिक्वेस्ट, ISI इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं अचिस्ट्रिक है, ISA यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर है ठीक, ISCSI इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजाइंस, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो स्टैंडर्ड डिज़ाइन हो गया आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, IVR एट्रैक्टिव वॉइस रिस्पांस हो गया, GPEG यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप अप्लाइड टू इमेज फॉर्मेटाइज .GPEG ये भी इमेज का इंटेंशन नेम है, GRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, GSP जावा सर्वर पेज, KVPS यानी कि किलोबाइट्स पर सेकेंड,
के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, KVM स्विच कीबोर्ड वीडियो एंड माउस स्विच, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपके प्रिंटर्स के पार्ट होते हैं, प्रिंटर होते हैं, मॉनिटर माफ की जगह जो मॉनिटर्स होते हैं वो दिया गया है। LDAP लाइट व्हाइट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, LIFO यानी लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, LPI यानी लाइन पर इंच, LUN आप लोग देख पा रहे हैं LUN लॉजिकल यूनिट नंबर, मैक एड्रेस दिया गया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, MA यानी IT यानी मिनट यानी मोबाइल एंड हॉक नेटवर्क, MBPS मेगा बिट्स पर सेकेंड, और MCA माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर, MIDI यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIPS यानी मिलियन सब्सक्राइबर पर सेकेंड, MP3 यानी कि MPEG 1 आइडियो लेयर, आप लोग देख पा रहे हैं MPEG 1 आइडियो लेयर को MP3 बोला जाता है, ठीक, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट, MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट बायोस यानी नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NOC नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, NTFS नेटवर्क न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, OASIS यानी OSIS ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एक्सट्रक्चर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स OCR ऑप्टिकल चैप्टर आप लोग देख पा रहे हैं रिकोनाइजेशन OCR, ठीक, ऑप्टिकल कोड रीडर भी होता है OCR का, ठीक, वो अलग होता है, और ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोनाइजेशन, और यहाँ पर ODBC है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, फिर OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, फिर OLAF ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, फिर OLE है यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, फिर OOP है OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर P2P है पीयर टू पीयर, फिर PC है पर्सनल कंप्यूटर, फिर PCP है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फिर PCI है पेरिफेरल कंपोनेंट इंट्रो इंटरकनेक्टेड, फिर यहाँ पर PCI-X है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सटेंडेड, फिर PCMCI है यानी कि PCMCIA पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, फिर PDA है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, PDF है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PHP है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, PIMP है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, PMU है पावर मैनेजमेंट यूनिट, PNG है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज फॉर्मेट, POP3 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, PPC है पेपर क्लिक, PPG है प्लास्टिक प्रिंट ग्रिड एरे, PPI है पिक्सल पर इंच, PPL है पेपर लीड, PPM है पेजेस पर मिनट्स, PP है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, PRM है परमीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, फिर PS2 है यानी पर्सनल सिस्टम 2, QVE है यानी कि क्यूरी बाई एग्जाम्पल, क्यू रेड है, फिर RAID रेड यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है रेडेंटेड एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RDF है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, RDRAM है रैम्स डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, RGM है रेड ग्रीन ब्लू, RISC है रिड्यूस्ड इंटरेक्शन सेट कंप्यूटिंग, ROM है रीड ओनली मेमोरी, RRC है रिमोट प्रोड्यूसर सेल, ठीक, और RPM है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं रिवेन्यू पर 1000 इंप्रेशन, ये भी सब यूट्यूब में आते हैं, जो लोग यूट्यूब के चैनल क्रिएट किए होंगे उनको पता होगा, MES द रोमन रिमेरिकल फॉर 1000, RSS RDF साइट समरी, RTE है रन टाइम इन्वायरमेंट, RTF है रिच टेस्ट फॉर्मेट, RUP है यानी कि रेशनल अनडिफाइंस प्रोसेस, ऐसे यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SATA है सीरियल एडवांसड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, वो SATA और बाटा केबल भी होती है वो आपके CPU में लगी होती है, ठीक, SCCI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SD है यानी सियोर्स डिजिटल, SDRM है साइक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SDSL है सैमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, SEM है सर्च इंजन मार्केटिंग, SEO है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर SIEM है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, SQU है स्टॉक कीपिंग यूनिट, SLI है स्केलेबल लिंक इंटरफेस, स्मार्ट है यानी कि
सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी स्मार्ट की मीनिंग आप लोग समझ लीजिएगा कि स्मार्ट का मतलब इतना लंबा चौड़ा क्या फुल फॉर्म दिया गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को, कुछ लोगों को पहली बार ये पता चल रहा होगा स्मार्ट का फुल फॉर्म। SMB है, सर्वर मैसेज ब्लॉक। SMS है यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SNMP है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और SODIMM है, स्मॉल आउटलाइन डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। फिर SOA है, सर्विस ओरिएंटेड अट्रैक्चर। पूरा अल्फा जेड से दिया गया, ए से जेड तक है, तो थोड़ी देर और वेट कीजिए, वीडियो समाप्त होने वाला है। SAP है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। SQL है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। SRAM है, स्टेटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRGM स्टैंडर्ड रीड ग्रीन ब्लू। SSSource सेल। SSID है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। SSL है, सोर्स सॉक्स लेयर। TCP/IP है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TFT है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TIFF यानी टिप्ड टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट इमेज फॉर्मेट। TTL है, टाइम टू लाइव यानी DNS डोमेन नेम सिस्टम। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, आप लोग देख पा रहे हैं। TWAIN ट्वेन यानी कि टूलकिट विदाउट एन इंफॉर्मेटिव नेम। UDDI यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटरग्रेशन। UDP है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। UML है, अनफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UNC है, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वर्जन। UPNP है, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले। UPS है, आप लोग देख पा रहे हैं UPS अट्रैक्टिव पावर सप्लाई। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। USB आप लोग समझ रहे होंगे ठीक क्या होती है। VCI वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर। वैसे आप लोग देख पा रहे हैं VESA वेसिया यानी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन। VFT वर्चुअल फाइल एप्लीकेशन टेबल। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। VLV वेसा लोकल बस। ठीक, VLE वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। VOIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VVI वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। VRAM वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। WAS है, आप लोग देख पा रहे हैं वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। WAF वायर्ड इक्वायरमेंट प्राइवेसी। Wi-Fi है, आप लोग देख पा रहे हैं वायरलेस फिडेलिटी। Wi-Fi का फुल फॉर्म आई होप कुछ लोगों को पता चल रहा होगा आज पहली बार। VWP है, Wi-Fi प्रोटेक्टेड एक्सेस। WW वर्ल्ड वाइड वेब। XHTML है यानी इंस्टेंशियल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में आपको पहले बताया था। XML है यानी कि इंस्टेंशियल मार्कअप लैंग्वेज। XSLT है यानी कि एक्सटेंसिव स्टाइल सीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। Y2K है ईयर 2000। GIF है यानी कि जेड वाला, ये GIF की बात हो रही है। जीरो इंसर फोर्स इंस्टॉलेशन फोर्स, आप लोग देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर PDF समाप्त हो जाता है, टोटल 10 पेज का PDF था। आई होप ये जो फुल फॉर्म हमने बताए यहाँ से आगे से फुल फॉर्म अब आपको सारे के सारे फुल फॉर्म यही मिल जाएंगे जो भी होते होंगे आपके एग्ज़ाम में। दो या एक फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो बाहर से कहीं नहीं आने वाला। ये PDF आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, वीडियो को वाच आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर पूरा वाच किया होगा तो ये आपको याद हो गया होगा। PDF पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।